एक और कॉन्सेप्ट आपका इंतजार कर रहा है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है रीयूज्ड। कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करेगा ये, मतलब पर्टिकुलर किसी भी स्टेप्स में या रिएक्शन में मल्टीपल स्टेप्स होगी और बनने वाला प्रोडक्ट वापस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, तो उसको हम बोलेंगे रीयूज कॉन्सेप्ट। लिखिए इसके अंदर, इन दिस कॉन्सेप्ट रिएक्शंस प्रोसीड, रिएक्शन प्रोसीड इन मोर देन वन स्टेप, रिएक्शन प्रोसीड इन मोर देन वन स्टेप। तो मोर देन वन स्टेप एंड जनरेटेड प्रोडक्ट अगेन रीयूज्ड। तो इसको हम ऐसे रीयूज्ड इन फर्स्ट स्टेप, ये है हमारे पास। तो हम इस स्टेप में कैसे करेंगे, पहले स्टेप फर्स्ट ऑल द गिवन रिएक्शंस, एड इन सच ए वे दैट कॉमन रिएजेंट क्रॉस टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रहेगा कि कॉमन रिएजेंट हमारा क्रॉस हो जाए, और उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में जो हमारे पास होगा कि ईच अदर एंड हॉल रिएक्शन कन्वर्ट इन वन वन रिएक्शन, तो एक ही रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाए। फिर उसके बाद सिंपल है, आफ्टर दैट आफ्टर कन्वर्जन इन सिंगल स्टेप रिएक्शन अप्लाइंग मोल कॉन्सेप्ट्स, मोल कॉन्सेप्ट्स एंड यूज एंड डिटरमाइन आस्किंग पैरामीटर, आस्किंग पैरामीटर बाय गिवन इंफॉर्मेशन, बाय गिवन इंफॉर्मेशन, ये हमारे पास रहेगा एक कंसेप्चुअली है। जैसे ए प्लस टू बी कन्वर्ट हो रहा है सी, हो रहा है, और फिर सी प्लस डी कन्वर्ट हो रहा है ई में, ई प्लस बी में। तो अब ये एग्जाम्पल है, तो ये आपको इस तरह से दिया गया है कि इस तरह से बनते हुए रिएक्शन को इस तरह से ऐड करा जाए कि आपके कॉमन रिएजेंट क्रॉस हो जाए। तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे सी, वैसे ही क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, तब आपके पास क्या हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि एक बी यहां से क्रॉस हो रहा है, प्लस डी कन्वर्ट ई। ये एक सिंगल स्टेप में हो गया, फिर तो मूल कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। एक और एग्जाम्पल, कन्वर्ट इन सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप में कैसे कन्वर्ट करें वो आपने समझ ही लिया। अगर यहां पर ए प्लस टू बी लिखा होता और ये टू सी, और यहां सी प्लस डी और फिर ई प्लस बी लिखा होता,
मैं यहाँ पर 4B लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ B लिखा होता तो आप कैसे करते? सोच के देखो एक मिनट, कैसे करते? क्या C क्रॉस हो जाएगा? नहीं होगा। इस तरह से लिखना है कि ये C क्रॉस हो, तो इस पूरी रिएक्शन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? अब C क्रॉस हो जाएगा, सही है। B कितना हो गया यहाँ पर? 2। तो ये कितने टाइम से रह जाएगा? 2B, पक्का, क्योंकि B सिंगल नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करते ये भी 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो अब आपके पास क्या बनेगा? A प्लस 2B प्लस 2D, कन्वर्ट 2E, बस सही है, बोलो हाँ या ना। ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि क्रॉस हो। अगर यहां पर 2C होता, वहां C होता, तो ऊपर वाली इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई करते। तो इस तरह से अगर आप प्रोसेस करेंगे तो आपकी सिंगल स्टेप में हो जाएगी, और सिंगल स्टेप में होने के बाद तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, फिर तो सिंपल मॉल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे पैरेलल कॉन्सेप्ट्स हमारे आते जा रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, लिख लें इसको।